नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीप्स कॉटन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों काफी टाइम से हमें इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है, तो आज की वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और जो न्यूज आई है इस स्टॉक में उस बारे में जानेंगे। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर हमें और वेट करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारा निफ्टी का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रिप्स कॉटन स्टॉक की प्राइस चल रही है 131.60। 1 जून को यानी कि 1 जून 2021 को स्टॉक की प्राइस चल रही थी 125 और अगर हम बात करें 30 जून 2021 की तो स्टॉक की प्राइस आ गई थी 180 यानी कि 1 मंथ के अंदर ग्रिप्स कॉटन ने 30% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही स्टॉक में हमें अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर ने अपनी पोजिशन सेल कर दी और छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर फंस गए और जुलाई में स्टॉक में कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक की प्राइस फिर से वही आ गई है। दोस्तों स्टॉक में हमें कंटिन्यू लास्ट मंथ से यानी कि 1 जुलाई से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जितना स्टॉक में हमें अपट्रेंड देखने को मिला उतना ही हमें स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक में न्यूज क्या है और कंपनी का फंडामेंटल क्या बोलता है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों ग्रेविस कॉटन में जो न्यूज है वो ये है कि ग्रेविस कॉटन की कंपनी एम्पियर ने एमएलआर ऑटो में 26% का स्टेक लिया है और इस 26% स्टेक के लिए 18.81 करोड़ का अमाउंट पे किया है। दोस्तों एमएलआर ऑटो करता क्या है? एमएलआर ऑटो 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है। आप इस ऑटो में बैठे भी होंगे या फिर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसे। दोस्तों ये तो हो गई ग्रेविस कॉटन की न्यूज। अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है और हमें इस स्टॉक में कहां पर एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों ग्रिप्स कॉटन कंपनी यह ऑलरेडी 4 सालों से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है, यानी कि जहां इस टाइम पर नई नई कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है वहीं पर ग्रिप्स कॉटन ऑलरेडी 4 साल से है। यह कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि 2-व्हीलर 4-व्हीलर या फिर जो भी मशीन यह प्रोडक्ट करती है, सेलिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें से 12% यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करती है, तो ये भी कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी का 30% रेवेन्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आता है। दोस्तों एक कंपनी के तीनों बहुत ही बड़े प्लस पॉइंट है और जो कंपनी में ये न्यूज आई है इस न्यूज का हमें आगे यानी कि 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद में अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक में हमें एक अच्छा अपट्रेंड भी देखने को मिलेगा। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें इस स्टॉक में कहां पर एंट्री लेनी है। दोस्तों ग्रिप्स कॉटन अभी अपने सपोर्ट के पास आ गया है 125 की प्राइस पर, इसका एक बड़ा सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ पर 125 की प्राइस से या फिर 130 की प्राइस पर इस स्टॉक में हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन दोस्तों फिर भी आप सेफ्टी के लिए जितना अमाउंट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस अमाउंट का सिर्फ 25% अमाउंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोस्तों मार्केट ऑलरेडी बहुत ही हाई पर है। अगर मार्केट में हमें छोटा भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो हमें ग्रिप्स कॉटन के स्टॉक में और भी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इसने 25 का यानी कि 125 का सपोर्ट ब्रेक किया तो आगे हमें इसमें 110 या फिर 100 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर यह स्टॉक डाउन आता है तो आप एक अच्छा एवरेज प्राइस बना के इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसलिए सिर्फ 25% अमाउंट ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।